नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 नीट के एग्जाम का है। इट सेज द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल्स आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट किसी प्रोजेक्टाइल की इक्वल है। हमें बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो क्या होगा। नाउ हमें दिया हुआ है कि रेंज इज इक्वल टू हाइट। नाउ व्हाट दैट मीन्स इज रेंज को हम लिख सकते हैं सो ट्वाइस यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल टू हाइट को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम इसको यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा और एक साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा और इस 2 को अगर हम यहाँ ले आएँ तो हम कह सकते हैं 4 इज इक्वल टू टेन थीटा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। ये विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। राइट नाउ लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी। इसी चीज़ को मैं आपको एक और सिनेरियो समझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि जब अपने को दिया हुआ है कि रेंज इज़ 5 टाइम्स हाइट या हाइट इज़ ट्वाइस ऑफ रेंज। उन सारे केसेस में अगर आपकी रेंज दी हुई है कि वो हाइट से मैक्सिमम हाइट से 5 गुना है तो रेंज इज इक्वल टू 5h लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 आ जाएगा। बेस्ड ऑन दिस हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपने को स्नैरियो दिया हुआ है कि रेंज इज ट्वाइस ऑफ हाइट तो उस केस में इसी सेम सिनेरियो को यूज़ करके हम उन सारे सवालों के आंसर भी निकाल सकते हैं। आई होप दिस हैज़ मेड थिंग्स क्लियर फॉर यू।